नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक 93 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.65% का अप मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 13,273 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 37.80% है। बुक वैल्यू इसकी 24.90 है। डिविडेंड यील्ड 0.22% है एंड फेस वैल्यू 1 है। इस स्टॉक को हम ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी HFCL, इसका फुल फॉर्म है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। एंड इसने रिसेंटली, वैसे फंडामेंटल वीडियो में इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। एंड अभी शॉर्ट में बात करें तो इसने रिसेंटली पोलैंड में भी यूरोप में एक प्लांट ओपन किया है अपना। एंड वैसे भी इसके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं, तो इतने भी अच्छे नहीं है, बट जो होता है कंपनी का मेनली वो ठीक है, इसका चल रहा है जो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे अच्छी कंपनी लगती है, एक साउंड कंपनी लगती है। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने गोल्डन क्रॉस दिया था 15 दिसंबर को, 15 टू 18 दिसंबर के बीच में यहाँ पे इसने गोल्डन क्रॉस दिया था। तब से इसने काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई तो करेक्ट भी हुई, उसके बाद वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है कंपनी। अभी के लिए देखें तो पी रेशियो जो है मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही जिगजैग चलता है, तो ये रिकवर होने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी नीचे है, 26.76 के ऊपर है। एंड सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ी सी डगमगाई हुई चल रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर इसमें कंपेरिजन करें तो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिली है यहाँ पे। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, यहाँ पे जब से हमें स्पिनिंग टॉप मिला है और ये स्ट्रांग अपने सपोर्ट से जब से इसने रिवर्सल लिया है, तब से ये बहुत छोटू छोटू मूव दे रहा है हमें। नो डाउट नेगेटिव मूव भी मिला है, पर ये मूव दे रहा है हमें, ठीक है। तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि जब ये इस वाली रेजिस्टेंस को, ये जो है 95 एंड 97, ये वाली रेंज से जब ये बाहर निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि अच्छे मूव ये दे सकता है। हालांकि अभी हम टारगेट लेके चले थे कि हो सकता है हमें अभी के लिए देखने को मूव मिल जाए 9.72% का, एंड ये स्टॉक हो सकता है कि हम 100 के आसपास इसको ट्रेड करता हुआ देखें 31 मार्च तक, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। एंड मार्केट भी ठीक थी बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम आया था 15 मिलियन का NSE पे, एंड आज वॉल्यूम आया है 29 मिलियन का, लगभग डबल के आसपास का वॉल्यूम इसमें आया है। एंड मूव भी काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिले हैं, बट ये जो रेजिस्टेंस है 95 की, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं वहीं से ये रिजेक्शन लेके अभी ट्रेड कर रहा है अपनी दूसरी वाली रेजिस्टेंस पे जो की है 92.85 की, ठीक है। तो अभी 92. जस्ट सेकेंड, 92. सॉरी 93 की है ये रेजिस्टेंस, 92.85 की नहीं, 93 के रेजिस्टेंस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए, इसका प्राइस बैंड है 20% का, एंड न्यूज़ आज आई है तो उनको एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये एक न्यूज़ आई है एंड यहाँ पे इन्होंने बताया है कि BSE ने इसके ऊपर 80,000 का पेनल्टी लगाई है, फाइन लगाया है। वो क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताते हैं, कंपनी, रुको एक मिनट, पेबल बाय द कंपनी फॉर द डिलेड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग ट्रेडिंग अप्रूवल ऑफ 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशूड अंडर प्रेफरेंशियल इशू पर्सुएंट टू कन्वर्सेशन ऑफ वॉरेंट्स। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो इनका एक इशू, प्रेफरेंशियल इशू जो था, उसके थ्रू इन्होंने 1 करोड़ इक्विटी शेयर जो अलॉट किए थे उसके लिए इन्होंने डिले किया है उसकी सबमिशन में। बट इन्होंने आगे सारा कुछ बताया है कि इन्होंने डिले जो है 4 दिन का हुआ है, वो 4 दिन का डिले, 3 दिन तो नॉन वर्किंग डेज थे, ठीक है। एंड बाकी इन्होंने बार बार BSE से कांटेक्ट करने की कोशिश की है जो कि वहां पे अपलोड नहीं कर पाया, विच स्टिल रिमेन्स नॉन फंक्शनल। यहाँ पे इन्होंने चेकलिस्ट BSE पे करने की, लिस्ट करने की कोशिश करी जो कि नहीं हो पाया। एंड कंपनी ऑल्सो अटेम्प्टेड टू रीच आउट टू द कॉन्टेक्ट नंबर्स प्रोवाइडेड ऑन द प्रेफरेंशियल इशू ऑन वेबसाइट। तो उनकी BSE की वेबसाइट पे जो है, उन्होंने जो नंबर्स दिए हैं उनको रीच आउट करने की कोशिश करी है, बट हाउएवर डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स, उन्होंने जो बार बार उन्होंने अटेम्प्ट्स किए बट देवर नॉट अनेबल टू स्टेब्लिश एनी कम्युनिकेशन, तो नहीं पहुंच पाए उनके तक। तो उन्होंने बोला है कि इसकी वजह से
आप इसको रेथिंक करिए एंड थोड़ा सा इस फाइन को हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारी भी गलती नहीं है, हम नहीं पहुंच पाए, हमने तो कोशिश करी। तो अभी के लिए देखें तो यही सारा दिया है, और ये कब आया है, 26 मार्च को आया है। एंड अगर फाइनेंशियल उस पर बताया है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ता भी तो वैसे भी 80,000 का है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती कंपनी को, बट इन्होंने बताया कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी के लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क डालेगी। दूसरी जो न्यूज थी वो सिर्फ यही है कि ट्रेडिंग शेल रिमेन क्लोज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च से होएगा ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो जो क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल रिजल्ट है उनको ऑडिट करने के लिए 48 आवर्स के लिए वो विंडो क्लोज करेंगे, जो कि उनके बिल्कुल इमीडिएट लोग होते हैं, सो दैट के इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह कुछ ना हो पाए। ठीक है, तो वो यहाँ पे न्यूज है। तो अभी के लिए देखें हम तो वॉल्यूम भी डबल से ऊपर, डबल के आसपास आया है। तो वैसे तो मैं ऑनेस्टली दिल से उम्मीद कर रही हूँ कि ये दे जाए हमें कल अच्छा रन एंड हमें यहाँ पे 9% का दे जाए, बट मेरे बोलने से नहीं होता ना कुछ भी। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक ही है दिन, तो यहाँ पे मुझे ये टारगेट थोड़ा अचीव करते हुए मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा कि अचीव होंगे ऑनेस्टली बताऊं तो। तो अभी के लिए, क्योंकि ये जो रेंज है ना ये काफी स्ट्रांग है, अगर ये इसको ब्रेक कर भी देता है तो यहाँ पे इसको बहुत सारा हर्डल फेस करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि अगर इसने मूव दिए भी तो 96 के आसपास मूव देगा, बाकी अगर चमत्कार होगा तो वो एक अलग बात है और होने को हो भी सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे लगता है 3.5-4% के ही मूव आएंगे अगर आए तो। तो ये मेरे को थोड़ा सा नहीं लग रहा अचीवेबल, बट हम इसके अपने जो, क्योंकि एक ही ट्रेडिंग डे है, 31 मार्च को क्वार्टर भी फिनिश हो जाएगा एंड मंथ भी फिनिश हो जाएगा, तो हम अभी लॉन्ग वीकेंड भी है तो उसमें हम अपने टारगेट्स जो है रिवाइज करेंगे। अभी के लिए यही देखते हैं, क्या पता हम रख के चलें तो हो ही जाए हमारे टारगेट अचीव, तो इसलिए मैंने चेंज कर दी। थोड़ी सी सुपरस्टिशंस भी होती हैं, राइट। तो अभी के लिए जोक्स अपार्ट, मैं ऑनेस्टली ये वाले टारगेट मुझे लगता है अचीवेबल है, बट ये वाले नहीं है। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे नो डाउट कि अपने रेजिस्टेंस पे है, एंड उम्मीद तो ये है कि अप मूव देगा, वॉल्यूम भी ज्यादा हुआ है, RSI ने भी स्मूदन मूविंग एवरेज को कट किया है, नहीं यहाँ पे मुझे लगता है छोटू सा पोलैरिटी चेंज भी हमें मिल सकता है। तो अभी साइंस तो इसके ऊपर जाने के हैं, बट आपको याद है मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड की बहुत बार बात करी है, तो केवल वो भी हो जाता है एंड ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 93 की, इसको ब्रेक करना इसको सबसे पहले बहुत जरूरी है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तो ऊपर की रेजिस्टेंस तो छोड़ ही दीजिए आप। तो बेसिकली इसका जो मेजर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन है वो 93 से लेके 97 तक है। तो ये जो जोन है ना ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक आगे के मूव थोड़े से संभव नहीं लग रहे मुझे। तो स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें, स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि अभी के लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस जो बनता है वो 89 का हमारा बनता है, एंड स्टॉप लॉस जरूर लेके चले शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए। लॉन्ग टर्म की एंट्री यहाँ पे मुझे लगता है डेफिनेटली बनाई जा सकती है, एंड लॉन्ग टर्म में मैं उम्मीद करूंगी जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब तक, जस्ट सेकंड थोड़ा सा हिल गया यहाँ से, जब तक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि 117 के आसपास, 120 के आसपास ये मूव करता हुआ हमें दिख सकता है, एंड उसके लिए हमें 25-26% के आसपास के मूव की उम्मीद है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।